22 जून से शुरू हो रहा है माँ कामाख्या शक्तिपीठ में विश्व प्रसिद्ध अंबुबाजी का महामेला। बाबा कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? अगरतला से। अच्छा। नीलाचल पहाड़ी में माता कामाख्या का गोद भर गया है देश विदेश से आए हुए साधु संत तांत्रिक और अघोरियों से। कहते हैं कि जो मनोकामना जो साधना और कहीं नहीं फलती वो यहाँ यानी माता कामाख्या के शक्तिपीठ में आके फलती है। क्योंकि 22 जून के रात को 2:30 के बाद अंबुबाची का पर्व शुरू होने वाला है, इसलिए 22 जून को कामाख्या शक्तिपीठ का मुख्य द्वार खुला ही रहेगा और 23 जून से 25 जून तक बंद रहेगा। उसके बाद 26 जून को सुबह सुबह माता का स्नान कराने के बाद नित्य पूजा करने के बाद मंदिर यानी मुख्य द्वार दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन 26 जून को अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो आपको 25 तारीख से ही लगाना होगा, क्योंकि इस समय कामाख्या मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। साधु संन्यासी तांत्रिक तथा आम दर्शनार्थी अंबुबाची निवृत्ति के दिन दर्शन करने के लिए बहुत ही ज्यादा भीड़ लगाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उस दिन माता का लाल कपड़ा भक्तों के बीच में बांट दिया जाता है। लेकिन लाल कपड़ा सिर्फ अंबुबाची में ही नहीं बल्कि साल भर यानी साल में किसी भी समय अंबुबाची वस्त्र कामाख्या शक्ति पीठ में मिलता है। वैसे तो अंबुबाची 22 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी से ही कामाख्या शक्ति पीठ में अघोरी तांत्रिक साधु सन्यासी नागा बाबा आके रहने लगे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा समय माँ के साथ और अपनी साधना में बिता सके। हम आए हैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा दस महाविद्यापीठ त्रिवेणी संगम गौशाला धाम उज्जैन मध्य प्रदेश MP। अच्छा, आप हर साल आते हो माँ के दरबार? हर साल आते हैं माता रानी के दरबार में। यहाँ अभी आप क्या पाठ कर रहे हो? ये हम पाठ कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का। अच्छा, तो इन दिनों मतलब अंबुबाची के दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ आम लोग भी कर सकते हैं ना बाबा? हाँ, आम जनता कर सकते हैं। देखो, ये भारत की संस्कृति को अगर बचाना है तो सबको हिंदू परिस्थिति को समझना है और समझ के उस मार्ग पर चलना है। तो अपने धर्म के लिए ऐसी उत्सुक हो जाओ और अपने धर्म के प्रतीक ऐसे समर्पित हो जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू। अपने मार्ग को नहीं भूलना, हिंदू कहने से नहीं होता है, उस कर्म को अपनाने से हिंदू बनता है। ठीक है जी, आज देख रहे हो परिस्थितियां को, दुनिया को, कहने से नहीं होता है, उस धर्म को अपनाने से होता है जी। ओके, धन्यवाद। बाबा जी, आप कहाँ से आए हो? मैं तो हमसे राम हूँ, अभी मैं साधना सदन से आया हूँ हरिद्वार से, और दिल्ली होते हुए आ रहा हूँ। अच्छा। और उधर, हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। सुना तो बहुत है कामाख्या देवी के बारे में, पहली बार आया हूँ